तो हमने भी आज अपना जो है डोनेट किया है। ये जो हमारे कई भी हमारी जो बीमार लोग हैं, जैसे लेडीज़ हमारी प्रेग्नेंट होती है तो कभी भी उनको खून ब्लड की कमी हो सकती थी। तो 17 तारीख से जो कि मोदी जी का जन्मदिन दिवस है, आज उसको मनाते हुए सेवा पखवाड़ा का आरंभ किया है। ये सेवा पखवाड़ा केवल उधमपुर में नहीं, ये सेवा पखवाड़ा पूरे देश भर में सेवा के भाव से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा उधमपुर, जिस तरह से आज सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर 17 तारीख से जो कि मोदी जी का जन्मदिन दिवस है, आज उसको मनाते हुए सेवा पखवाड़ा का आरंभ किया है। ये सेवा पखवाड़ा केवल उधमपुर में नहीं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, ये सेवा पखवाड़ा पूरे देश भर में सेवा के भाव से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़ का आरंभ रक्तदान शिविर के नाते भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे देश भर में किया है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान तरुण चुग जी, हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष श्रीमान तेजस्वी सूर्या जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण प्रभात जी के दिशा निर्देश अनुसार आज ये रक्तदान शिविर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में लगाया गया है। मैं आपके ध्यान में एक जानकारी लाना चाहूँगा, इस रक्तदान शिविर के अंदर कम से कम 60 के करीब लोग ब्लड डोनेशन करेंगे, जिसमें हमारे युवा मोर्चा के सिपाही और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और आम जनता सब मिलके 60 के करीब डोनर रहेंगे। और ग्रुप सैंपलिंग की बात हो तो लगभग भी 150 के करीब ग्रुप सैंपलिंग आज हम करने वाले हैं। मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूँगा कि जो ये पखवाड़ा है, यह आज 17 से शुरू होकर 25 तारीख तक चलेगा। इस पखवाड़े में सफाई अभियान, इस पखवाड़े के अंदर सेवा ही भाव से, चाहे वो वृद्धाश्रम में सेवा के काम करना हो, चाहे वो बाल आश्रम में सेवा के काम करना हो, चाहे वो पौधारोपण की बात हो, चाहे अन्य तरह की किसी भी सेवा भाव का कार्यक्रम हो, हम इस 17 तारीख से शुरू करते हुए 25 तारीख तक जाएंगे। आज आपने देखा हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान पूरन जी, हमारे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक उधमपुर से पवन कुमार गुप्ता जी, और पूर्व विधायक रामनगर श्रीमान पठानिया जी, और हमारे जितने भी BDCs GDCs सभी यहां पे आ रहे हैं और सभी रक्त का दान करके एक अच्छे जो मैसेज पूरे उधमपुर को दे रहे हैं, क्योंकि उधमपुर हमेशा सेवा के भाव के लिए आगे रहा है। वैसा ही एक कार्यक्रम आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में उधमपुर में हुआ है। मैं साहब के माध्यम से सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि इस सेवा पखवाड़े में जो कि मोदी जी के जन्मदिन से स्टार्ट हुआ है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास उधमपुर की जनता ने किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम आरती शर्मा है, BDC चेयरपर्सन, मैं गोडी ब्लॉक से हूँ। आज सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे पूछा कि क्यों आप ब्लड डोनेट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ब्लॉक की ओर से और पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से जम्मू कश्मीर की ओर से उनको मुबारकबाद देती हूँ जन्मदिन की, कि
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना है कि कोई भी काम जो है समाज के नाम होना चाहिए। तो आज हमने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो हमारे साथी हैं उन्होंने एक ब्लड डोनेट का जो कैंप लगाया गया था यहाँ पे, तो उसके तहत हमें भी यहाँ पे अवसर आने का अवसर मिला, तो हमने भी आज अपना जो है ब्लड डोनेट किया है। ये जो हमारे कई भी हमारी जो बीमार लोग हैं, जैसे लेडीज़ हमारी प्रेगनेंट होती है तो कभी भी उनको खून ब्लड की कमी हो सकती थी, तो ये हमने समाज के नाम जब भी उनको कोई कमी होती है वो यहाँ से दे सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री का एक ही सपना है कि मेरे जन्मदिन के डे पे आप आज केक नहीं काटेंगे, या समाज के नाम पे कुछ ना कुछ दीजिए। तो आज हम सभी भाइयों बहनों ने आज एक ब्लड डोनेट किया है, तो मैं भी अपनी ब्लॉक की एक प्रतिनिधि होने के नाते आज मैंने भी यहाँ आने का मौका मिला, और आज मैंने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ब्लड की जो भी मेरा जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था जितना ब्लड आज हमने दिया। और मैं फिर से मुबारकबाद देती हूँ अपने जम्मू कश्मीर की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो 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 काम हमारे भारत देश के लिए किए हैं, गरीब किसान मजदूर मातृशक्ति के लिए जो काम किए हैं वो एक सराहनीय कार्य है। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से भी उनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ, और जम्मू कश्मीर के लिए जो उन्होंने काम किया है वो भी एक सराहनीय है। 370 को हटाया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में 3-tier सिस्टम को इम्पावरमेंट किया, उसमें हम जैसी जो है फीमेल को भी आगे आने का मौका मिला। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का और उनकी पूरी टीम का और जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक हमारी आवाज़ को आगे तक हमेशा पहुँचाते रहते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन की पूरे भारतवर्ष को अब पूरे विश्व को मुबारकबाद है। आज के दिन बीजेपी ने एक संकल्प लिया था कि हम सेवा कार्य करेंगे, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम कुछ सेवा का बड़ा कार्य करेंगे, और आज ये प्रण लिया गया कि जितने भी भारत के अंदर में ब्लड बैंक्स हैं उन सबको फ्लड कर दिया जाए ब्लड डोनेट करके। उसी की श्रृंखला के अंदर में आज यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग 70-80 लोग जो हैं वो आज अपना ब्लड डोनेट करने के लिए वॉलंटियरली यहाँ पर आए हुए हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा ही है जो इन नवयुवकों को यहाँ पर खींच के लाई, और भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है जो हमारा जिला का है उसकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, उनको ये कार्य सौंपा गया था कि आप आइए और जितना भी ब्लड बैंक के अंदर में जितना ब्लड चाहिए उनको उतना ब्लड बैंक से उसको फ्लड कर दीजिए। आज उधमपुर के अंदर में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर में जहाँ जहाँ ब्लड बैंक है वहाँ वहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है। अभी हमारा एक फवाड़ा चलेगा 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक। 17 को तो अभी आपको पता है कि आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, और 2 तारीख को हमारी जो है वो गांधी जयंती है, बीच में 23 तारीख को हमारा माया हरि सिंह के जो एक बड़ी लंबे समय से लंबित डिमांड थी मैं उसके लिए अपने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जम्मू के लोगों की भावनाओं को जो है वो समझा और उसके लिए एक छुट्टी घोषित की, क्योंकि ये डिमांड जो है ये लगभग पिछले 25-30 साल से चल रही थी। तो ये हमारे लिए बड़ा खुशी का विषय है कि हम 23 तारीख को महाराजा साहब की जयंती को मनाएं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है चैन के बनाने बहुत बड़ी रही है, और आज का दिन जो है ये पूरे भारतवर्ष के लिए बधाई का दिन है कि हमारे विश्व के जो सबसे बड़े नेता हैं, भारत के नहीं विश्व के जो सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है, और लोग उसको सेलिब्रेट करने का एक अनोखा तरीका बना रहे हैं कि अपना रक्तदान करके इसको बना रहे हैं। बहुत धन्यवाद।